हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बीकानेर में आ चुके हैं और अभी अभी हम बीकानेर में आए हुए हैं। तो हमारे सब फ्रेंड्स लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो हम आपको हमारे फ्रेंड जो नाश्ता कर रहे हैं वो दिखाते हैं। आज क्या नाश्ता में है हम दिखाते हैं, चलो। और आपको राजू भाई ने जैसे दिखा दिया है कि बीकानेर हम कब से पहुंच चुके हैं, और अभी है हम भीमसेन चौधरी किसान घर है उधर ठहरे हुए हैं, और अभी हम घूमने जाएंगे थोड़ी देर में। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, और रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था। जाना है अभी एग्रीकल्चर कॉलेज पे, लेकिन ये ड्राइवर कब से पूरी रात से बस चला रहा है, तो मान ही नहीं रहा है कि अभी नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग भी आदमी है, उनको भी थक लगता है। तो अभी नहीं जाएंगे हम, आज का कैंसिल करते हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, हम बीकानेर बाजार में जाएंगे तब आपको दिखाएंगे पूरा बीकानेर बाजार। और ये भरत भाई को भी आप एक बार देख लो, बहुत एक्साइटेड है घूमने के लिए, लेकिन वो ड्राइवर के बारे में भी सोचना पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं जो हमारा बीकानेर का बाजार है, आपको कचौड़ी खिलाएंगे। हेलो गाइस, तो हम सब लोग रास्ते पे घूमते घूमते चलते चलते जा रहे हैं। अभी कुछ ठिकाना नहीं है हमारा, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे सब लोग आ रहे हैं और ये हमारे रवि भाई, क्या बोलना है रवि भाई, आप बोल सकते? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो रास्ते में घूमते घूमते ये हमारे सब लोग आ रहे हैं। इन सबको पैदल नहीं जाना है, लेकिन ये पैदल जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारे जो ड्राइवर है वो पूरी रात से बस चला रहे हैं, वो थक गए हैं, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इधर से सब बोल रहे हैं, जो लोकल है उनको भी कुछ पता नहीं है, कोई बोल रहा है कि 1 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है 5 किलोमीटर है, लेकिन देखते हैं किसको कितना पता है। अभी हम तो चल के जा रहे हैं। अब मुझको जाना है तेरे। आपने खजूर अभी अभी देखा तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, और ये सॉन्ग हमारे निर्मल भाई पेश करेंगे। खजूर से हमें याद आया कि हमारे गुजरात का बहुत फेमस गाना है, तो हम आपको सुनाएंगे। वैसे हमें गाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुना देंगे भाई। खजूरी तारो जरमर याड़ो लीलो पीलो पौन जो, और ये हमारे भरत भाई जो भुआ जी के नाम से फेमस है, वो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। भरत भाई, एक खजूरी के बारे में थोड़ा सुना दीजिए हमारे। खजूरी तारो जरमर याड़ो लीलो पीलो पौन जो, हेलो गाइस। और हमारे ये कॉलेज की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है चलते चलते ये कॉलेज देख के, तो हमारे राजू वाणिया सुपरस्टार 5 स्टार सिंगर और हमारे भरत बुआ जी आपको एक गाना सुनाएंगे। हे आ मजो जो कॉलेज नी वाटरे वाली जो कॉलेज नी वाजो जो सीपी नी वाटरे वाली जो सीपी नी वाले। और ये हमारे वीडियो में एक पागल लड़का घुस गया है, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं ये पागल। हाँ बुआ जी, हाँ गाइस, ये हमारी दो लड़कियां हैं जो नए एक्टर शामिल हुए हैं, और उन्होंने अभी नई नई कॉलेज ज्वाइन की है, तो वो कॉलेज में जा रहे हैं, वो अपने गांव को छोड़ के आ गए, तो उनके लिए 2 लाइन हमारे राजू भाई गाना चाहेंगे। राजू भाई, ए आडा कोने ओ बड़ी तारी बातो बातो गमड़ो मिली बनवा एडी से बजार, ए मारो रोम तारो सपनो पूरो कर से तार लाखो मो पगार, रेणी केणी दोई दुनिया कर से रे सलाम।
चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट में। अभी थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी आपको हम दिखा देते हैं पूरा जूनागढ़ फोर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको जूनागढ़ फोर्ट। दिखानी रह गई है कि अभी ऊंट से, ऊंट का जो चमड़ा होता है उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे वो पर्स होता है और बहुत कुछ है ऊंट के दांत से भी बनाई जाती है। जैसे मैंने भी ये नया पर्स लिया है अभी अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरे लेदर का बना हुआ है, ये ऊंट के लेदर का, और हमारे राजू भाई आपको थोड़ी देर में दिखाने के लिए लेके जाएंगे ये शॉप में जहाँ ये सब मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। आपने क्या लिया है? ये लिया है मैंने अपने पापा के लिए। बहुत बढ़िया है, कैसा लगा आपको उनका वेतर? बहुत खराब लगा है पर फिर भी ले लिया। फिर भी ले लिया। कितने में पड़ा आपको ये? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का इतनी महंगी चीज आपने ले ली? बहुत पैसा है मेरे पास। क्या बात है यार, बढ़िया है। और ये आप लोग ने क्या लिया है? मैंने ये लिया है लेडीज पाउच। हेलो राजू भाई, लेडीज पाउच किसके लिए लिया है? बढ़िया है। किसके लिए लिया है? इसके लिए। गिफ्ट देना है? क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। और आपने कुछ खरीदी किए? हाँ मैं भी लेके आया हूँ, ये पर्स लेके आया हूँ मेरे। दिखाना जरा, ये पूरा लेदर का बना हुआ है। और ये भैया जी ने ये पर्स लेके आए हैं? इसमें अभी कुछ पैसे नहीं, मैंने ये वाला लिया, ये तो उनका है, ये मेरा नहीं है। दोनों मैंने लिए है, एक मेरे लिए लिया है और एक मेरे लिए लिया है, एक राजू भाई के लिए लिया है। राजू भाई को गिफ्ट देना है इसलिए मैंने लिया है। आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये जैसे कि ये बहुत छोटा है लेकिन बढ़िया है। और अभी हम शॉप से बाहर निकल रहे हैं और हमारे केतन सर ने कुछ लिया है उनके लिए, और उनके हाथ में ये थैली दिख रही है जैसे हम आपको दिखा देते हैं। तो सर आपने किसके लिए लिया है? ये मैडम के लिए लिया हुआ है। क्या लिया है? और मैडम के लिए यहाँ पे प्योर कैमल लेदर से बना हुआ एक पर्स है, और मेरे लिए मैंने कैमल लेदर से बना हुआ एक बेल्ट खरीदा है। और आपके लिए वो जो लिया है वो कितने का है? वो मैडम के लिए जो लिया है वो 550 का है, और मेरे लिए लिया वो 400 का है। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहता है, अच्छा है। चलो, पिछले एक घंटे से हम जिसका इंतजार कर रहे थे तो हमारे सर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी खरीदी की है। हम उनसे पूछ लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो सर? ना चला सर, आपने क्या क्या लिया है आप हमारी ऑडियंस को बताइए कुछ। आपने क्या क्या लिया है सर? बोलो बोलो। ये सब सर ने लिया है, ये सब सर ने अभी खरीदी की है मैडम के लिए, और सर ने लिया है इसलिए अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं सर के। शर्मा रहे हैं। और सर ने भी कुछ लिया है। सर आप हमारी ऑडियंस को बताइए आपने क्या क्या लिया है? सब कुछ लिया है। और कितने का लिया है, कैसा है? रीजनेबल रेट है सर जी। प्रोडक्ट कैसी है यहाँ? प्रोडक्ट क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है। और आपको कैसा फील हो रहा है इतना खर्चा करके? तो अच्छा नहीं वो, अभी हम आपको मैडम को दिखाएंगे वाला वीडियो, बढ़िया। और अभी हमने खत्म कर लिया है कैमल रिसर्च स्टेशन, तो हम बाद में मिलेंगे अभी आपको फिर नए व्लॉग के साथ, आपको हम फिर से मिलेंगे। तो आज हमारा व्लॉग यही खत्म होता है, और अभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और हमारे वीडियो में शेयर कीजिए, सजेशन देना हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। बाय बाय गाइस, बाय गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।